वेल गाइज, आई एम नॉट श्योर कि आपने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की है या नहीं, बट आपका सोचो कि आपका सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है और आपको एक अपडेट की नोटिफिकेशन आती है. आप ये सोचते हो कि उस अपडेट से माइट बी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, बट होता उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. आपका सिस्टम हीटिंग इश्यूज करने लग पड़ता है और हैंग होना शुरू हो जाता है. आई थिंक द सेम इशू राइट नाउ आई एम फेसिंग विद माई लैपटॉप और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ट्रबल शूट करने का. जो भी है, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ सिंपली साहिल. और मैं इस वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हालांकि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, बट स्टिल दिस इज़ माई बर्थडे वीक. और पता क्या, बर्थडे वीक जब शुरू होता है ना तो बंदा खुद ही फील करता है, हाँ यार ठीक है. मैं तो लाइक मैं सेलिब्रेट नहीं करता, बट स्टिल होती है यार एक्साइटमेंट, तो यार सबको होती है ना यार. तो कुछ इसी तरह की एक्साइटमेंट है. और आज मेरा दिल है कि मैं अपने आप को एक सेल्फ गिफ्ट करूँ. और सेल्फ गिफ्ट मैं करूँगा एक आई ग्लासेस लेकर, बिकॉज आजकल घर से ही हम काम कर रहे हैं, आईज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ इंदिरा नगर, क्योंकि इंदिरा नगर में आई थिंक वहाँ का सबसे बड़ा जो लेंस कार्ड का शोरूम है वो वहीं पर है. और आई थिंक वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा. तो सबसे पहले काम करता हूँ, सबसे पहले मैं रेडी होता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ. हाँ भाई, अब बात बनी, अब लग रहा है कि हाँ अब जाना चाहिए. तो गाइज, मैं अभी जा रहा हूँ इंदिरा नगर क्योंकि वहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शोरूम है लेंस कार्ड का और मुझे लेंस कार्ड के कुछ ग्लासेस पसंद है. सो लेट्स गो देयर और देखते हैं कि क्या पसंद आता है हमें. और आज मैंने अपनी लाइक फेवरेट वॉच काफ़ी टाइम के बाद पहनी है, लाइक इट ऑलमोस्ट लाइक लॉकडाउन से पहले पहनी थी और आज मैंने पहनी है. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. तो चलो इंदिरा नगर चलते हैं. वैसे भी यार, जब भी इंदिरा नगर जाने की बात आती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग से ही एक्साइटमेंट आती है कि हाँ मैं इंदिरा नगर जा रहा हूँ. आई एम नॉट श्योर वाई, बट दिस इज़ वॉट. लाइट्स बंद कर देते हैं. वन, देखा, टू, ओ माय गॉड, कुछ इस तरह का हो जाता है जब मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ. तो चलो चलते हैं. एक्चुअली अभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ तो मैं ज़्यादा यू नो घूम नहीं सकता. आई एम जस्ट एक्चुअली ट्राइंग, बिकॉज जब मास्क होता है तो पता नहीं चलता कि कैसे शेड्स हैं. सो आई थिंक दिस लुक्स गुड, बट मैंने अपने लिए कुछ इसी तरह के कूलर्स ऑर्डर किए हैं. सो लेट्स सी, जब वो आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा. बट इंदिरा नगर लेंस कार्ड इज़ लाइक ह्यूज मैन. यहाँ पर अगर आप आ जाते हो, सो आई डोंट थिंक यार, मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी. सो या, माई शॉपिंग इज़ डन, सो आई एम लाइक नाउ लिविंग. पेमेंट, एवरीथिंग इज़ डन. सो अभी घर जाने का फिर से समय आ चुका है. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग. और ये व्लॉग एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट डे भी, बिकॉज लेंस कार्ड से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, तो इट वुड बी बेटर कि मैं भी एक फ्रेश माइंड के साथ वो आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ. बिकॉज होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार जो इंसान अपने आप से ही जंग करता है. तो कुछ ऐसी जंग चल रही थी. फर्स्ट आई थॉट कि यार नॉट टू शेयर, देन आई रियलाइज कि यार ये पॉइंट्स माइट भी आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. सो आई थॉट टू मेक ए वीडियो ऑन इट, बिकॉज देर, अब अगर आपने ना एक कहावत सुनी होगी तो उसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. तो यार एटलीस्ट हमें एक इस तरह का होमवर्क करना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं विदाउट पैनिक. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना चाहता हूँ जो आप अगर बिल्कुल ठीक भी हैं तो एटलीस्ट यार बहुत इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं है. आप 30 मिनट्स प्लीज स्पेंड कीजिए और ये एटलीस्ट आप अपने पास नोट रखिए ताकि कोई भी सिचुएशन, आप नहीं, अगर आपके फ्रेंड्स आपसे हेल्प मांगते हैं तो एटलीस्ट आप उनकी हेल्प कर पाओ.
तो इस वीडियो को यार एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार हमेशा ना भगवान पे ना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान पे इसलिए विश्वास होना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना हमेशा एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जहाँ से भगवान हमें निकाल सकते हैं ना, वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। चाहे आपके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, वो सब फेल हो जाता है। सिर्फ भगवान ही है जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यार आपको भी पता है कि कोविड टाइम में इतना ज़्यादा पैंडेमिक है, चल रहा है, अब वो सिचुएशन नहीं रही कि पहले क्या होता था, पेट में दर्द होती थी, टांग में दर्द होती थी, तो हम चले जाते थे किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिलने। आज के टाइम पे ये चीज़ें अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट स्टिल अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपके घर के पास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसका एटलीस्ट एक डिस्टेंस और उनके मोबाइल नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स दो तरह के हैं आजकल अवेलेबल, सबसे पहले तो कोविड जो ट्रीटमेंट करते हैं और एक नॉन कोविड। सो बेस्ड अपॉन दिस आप एक लिस्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एम्बुलेंस डिटेल्स होनी चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आपके एरिया में माइट बी सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस होती है वो हो सकती है, कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो अपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, तो बेस्ड अपॉन दिस या कुछ हॉस्पिटल्स, तो बेस्ड अपॉन दिस आप एम्बुलेंस के नंबर्स जो हैं और हॉस्पिटल्स के नंबर जो हैं वो प्लीज़ एक बार नोटेड डाउन करिए जो भी आपके एरिया के पास हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप मेक श्योर करिए कि आपके जो व्हीकल्स हैं, आपके पास बाइक है, स्कूटर है, वो वर्किंग कंडीशन में हो, उनमें एटलीस्ट पेट्रोल हो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्हें स्टार्ट करते रहिए। या अगर आपके पास कोई भी ऐसी कन्विंस नहीं है तो एटलीस्ट आपके नोन में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके घर के पास हो, और कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट वो आपकी हेल्प कर दे। तो ये पॉइंट्स जो हैं सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ अप्रोच करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जो मैं आपको कहता हूँ कि ये आप अपना होमवर्क सबसे पहले ज़रूर करके रखिए। सो गाइज अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में मैं दो लोगों को फोकस करूँगा, या तो आप ऑलरेडी वर्किंग हैं या आप अपना बिजनेस रन करते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो माइट भी आपकी कंपनी ने आपकी और आपके फैमिली मेम्बर्स की इंश्योरेंस ऑलरेडी की होगी, तो एक बार आप अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से वो सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको मिलता है एक कैशलेस कार्ड जिसके थ्रू आप किसी भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जितनी भी मेडिकल कॉस्ट होती है वो एटलीस्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही पे की जाती है, और वहाँ पर जो भी नॉन मेडिकल चार्जेस होते हैं वो सिर्फ आपको पे करने होते हैं। तो वहाँ पर मेक श्योर करिए कि आपकी फैमिली के जितने भी लोग एडेड हैं वहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके नाम बिल्कुल सही हो, बिकॉज अगर वो सही नहीं होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी फोकस करना चाहूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो प्लीज़ यार मेक श्योर करिए कि आप अपनी फैमिली की इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। कोई भी कंपनी आपकी आप ले सकते हैं बेस्ड अपॉन आपकी रिसर्च, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस पेंडेमिक यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेडिकल कॉस्ट आज की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एटलीस्ट मेक श्योर करिए कि अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म जो आपकी और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पर गाइज अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्चुअली एक कॉमन पॉइंट है, बिकॉज आज के टाइम पे फ़ोन सबके पास होता है, तो फ़ोन में आपके पास कुछ ऐप्स भी होने चाहिए जिसमें से सबसे पहले है आरोग्य सेतु, दूसरा है गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम, एटलीस्ट जो भी आप यूज़ कर पाओ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। फ़ोन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उस पर इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं कि अगर फ़ोन कभी चार्ज ना हो तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप अपने पास पावर बैंक रखें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में था तो मुझे उस दिन इतने फ़ोन आए कि मेरा फ़ोन खुद बैटरी ड्रेन हो गई, एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार अब मैं क्या करूं। देन देर वाज एक्चुअली ए स्टार्टअप इन बैंगलोर, आई एम नॉट श्योर अगर आप बाहर से देख रहे हो तो एटलीस्ट वो फैसिलिटी नहीं होगी, बट बैंगलोर में एक स्टार्टअप है प्लगो, और जिनका एक्चुअली मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी कवरेज रखी है कि कहीं पे भी अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप लोगों से
एक पावर बैंक जो है वो हायर कर सकते हो और वहाँ पर आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। एंड इट कॉस्ट मी ओनली 20 रुपीज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिनिमल लगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यार उस टाइम पे जो मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई। सो थैंक यू सो मच प्लगो एज़ वेल। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको भी एक थैंक यू कहना चाहता हूँ बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप एटलीस्ट ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। हालांकि वो सबसे पहले आपकी चेकिंग ज़रूर करेंगे, बट फॉर योर ओन सेफ्टी ये आपके पास चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप घर में जनरल मेडिसिंस भी रखें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वेल गाइज, अगर मैं बात करूँ अपने फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट्स हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाए। अब एक तो पेशेंट का कोविड टेस्ट होता है और एक उस इंसान का कोविड टेस्ट होता है कि अगर जो उनके साथ रहेंगे। तो इंडिया में आई बिलीव दो कोविड टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला है RT-PCR, जिसकी जो रिपोर्ट है वो आती है 24 आवर्स के बाद, और एंटीजन की रिपोर्ट आती है 30 to 1 hour के बाद। सो सबसे पहले तो वो टेस्ट आपके ज़रूर होंगे, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे बेंगलोर में देखा है। रेट हर हॉस्पिटल में अलग हैं, बट जो एंटीजन जो मैं रिपोर्ट बोल रहा हूँ, टेस्ट बोल रहा हूँ, उसकी कॉस्टिंग होती है समवेयर बिटवीन 2000 to 2500, और RT-PCR की जो कॉस्ट होती है वो होती है अराउंड 45 to 5000। सो इट एक्चुअली वेरीज हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल, बट समवेयर आपको इतनी ही कॉस्टिंग आपकी होगी। इसी के साथ साथ अगर आपको ये टेस्ट करवाने हैं तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करनी है तो 24 आवर्स के बीच बीच में ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, आपके जो कार्ड होता है आपका, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ से आपको दिया जाता है, और उसी के साथ साथ अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड आपको साथ में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल गाइज, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप सभी के लिए या उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जो इस सिचुएशन को अभी हैंडल कर रहे हैं। सो मेरी प्रेयर्स आप सभी के साथ हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट होम, बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो गाइज, रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को पता चले कि एटलीस्ट आपके पास बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए टेक केयर।